हेलो हाई। और अभी हम आ गए गन्नू के कमरे में। मैं सोची थी इसका पोस्टर लगा दूँ, क्योंकि गन्नू अभी गुड़िया के साथ थोड़ी देर खेलने लगा है। और ये रूम सही है, आराम से इसमें आता है अपना खेलता है। और ये वाला जो वीडियो बना रही हूँ, मैं अपने नए वाले फ़ोन से बना रही हूँ, जो मैंने अभी जस्ट नया फ़ोन ऑर्डर किया था वो वाला। मैंने सोचा क्यों ना मैं इस फ़ोन से भी बना के देखती हूँ कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है। बट इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है कि आप अपने आराम से वीडियोज़ बना सकते हो। बट इसका कैमरा यहाँ पर नीचे की साइड है, और नॉर्मली कैमरा यहाँ ऊपर की साइड होता है, तो इसलिए हम वहाँ देखते हैं। बट ये कैमरा नीचे की साइड है, आपको नीचे देखना पड़ेगा। तो वही अभी जा रहे थे, वो पोस्टर यहाँ पर मैंने सोची थी लगा देते हैं। पोस्टर है कहाँ पहले वो ढूंढते हैं, वो रखा है पोस्टर, फटाफट से लगाते हैं। पेट तो मेरा आजकल ना इतना ज़्यादा हो गया है कि पूछो नहीं। मुझे पता है आज मेरी शक्ल थोड़ी सी, क्या करूँ यार, तबीयत ख़राब है उसकी। पेट अजीब सा ही निकल आया यार, मैं बड़ा परेशान हूँ इस चीज़ को लेके। तो चलिए अभी लगाना शुरू करते हैं हम ये पोस्टर। और मेरे पेट को प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, बिकॉज़ पता है आजकल मेरा पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकल आया है, मैं बड़ा परेशान हूँ इस चीज़ से। और ये जो पोस्टर है, ये फ़िलहाल तो मेरा, आपने देखा होगा गन्नू का बर्थडे में जो पीछे फ्लैक्स प्रिंट होता है, ये फ्लैक्स इसको बोलते हैं फ्लैक्स। और ये फ्लैक्स प्रिंटिंग होती है, बहुत टाइप की होती है। और जो ये वाला है, ये नॉर्मल एक बहुत ही एक नॉर्मल ऐसा है। और इस पे ही मैंने ये वाले चीज़ें प्रिंट कराई थी। लेकिन अगर आप करवाना चाहते तो आप भी ऐसे ही, अगर आपको लगता है कि आपका रेंटेड हाउस है और आपको सस्ते में काम कराना है, क्योंकि अगर आपका घर हो तब तो आप इस चीज़ का वॉलपेपर बनवा सकते हो अपनी फ़ोटोज़ का, आप कुछ भी करा सकते हो। बट अगर आप रेंटेड हाउस में रह रहे हो तो वहाँ के लिए मुझे ऐसे बेस्ट लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली आपको नहीं पड़ेगा। आई थिंक 300, 400 या 500 कुछ ऐसे पड़ेगा। एग्जैक्ट रेट में नहीं बता सकती, क्योंकि मेरा जो ये फ्लैक्स प्रिंट हुआ था, ये मेरा वो जो पैकेज था ना डेकोरेशन का, उसमें इंक्लूड था। अदरवाइज आप कहीं से भी इसको प्रिंट करा सकते हो, जितना भी कोई भी आप प्रिंटर की शॉप पे अगर आप जाओगे तो वो प्रिंट कर देगा। लेकिन इसके साथ एक चीज़ है कि आपको जो इनको फ़ोटोज़ देनी है वो फुल रेगुलेशन की फ़ोटोज़ होनी चाहिए। जो आप अपनी फ़ोटो मोबाइल से खींचते हो, मतलब कंप्रेस नहीं होनी चाहिए, वो आप इनको मेल पे भेज दो, वो प्रिंट करके आपको दे देते हैं। तो ये वाली मैं बीच में फ़ोटो लगा रही हूँ, क्योंकि ये अच्छी लग रही है गन्नू की। और ये साइज़ भी वैसे ही है कि हाँ, हम लगा सकते हैं। अब इसको लगाने का तरीका ये है कि ऊपर से इसको थोड़ा सा मोड़ रहे हैं, क्योंकि ये वाइट पट्टी बाहर की तरफ रहेगी, तो ऊपर से निकलने में बच्चे हैं ना पेन वेन डाल के इसको निकालते रहते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ की वजह से हम इसको थोड़ा सा मोड़ रहे हैं। और इसमें छोटे वाले पिन लगा रहे हैं, जो नॉर्मली हम लोग पिन यूज़ करते नहीं है, अगर कहीं पे हमें तार लगाना होता है या कुछ करना होता है, उन पिन से ये जो फ्लैक्स है ये आराम से टिक जाता है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का फ्लैक्स प्रिंट तो वो लोग करते नहीं है। अगर आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का फ्लैक्स प्रिंट कराया है तो थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज उसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका वेट बहुत कम है, क्योंकि ये मतलब एक मीडियम क्वालिटी वो लोग देते हैं, तो इस वजह से ना आराम से लग जाता है। तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, या जो चाहते हैं कि उनके बेटे की फ़ोटो या फिर वो कुछ ऐसा लगा लें लेकिन नहीं लगा सकते हैं। और वैसे तो मैंने सोचा अपने घर में हम वॉलपेपर लगवा देंगे गन्नू का या जो भी कुछ है, बट यहाँ के लिए मुझे इतना ही सही लगा तो हमने ये लगा दिया। और ये पोस्टर हमारे पास था भी, तो इसको लगाने का यही तरीका है। इसको मोड़ के कम से कम 5 से 6 पिन से सबसे पहले आप ऊपर से इसको सिक्योर करिए। और आपने देखा होगा मैंने बेडरूम में भी अपने लगाया हुआ है, तो सेम यही फ्लैक्स प्रिंट करके मैंने बेडरूम में भी लगवाया है, जो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये अकेले तो लग नहीं पाता है, इसके लिए ऑब्वियसली दो लोग चाहिए होते, तो हम दोनों मिलके इसको यहाँ पे लगा रहे हैं। और वही है कि साइड साइड से दोनों तरफ से इसको मोड़ना है, और साइड से मोड़ के हमें दीवार पे लगा देंगे। और ये मैं मोड़ना, या तो आप एक काम कर सकते हो, आप पहले भी इसको मोड़ सकते हो, जैसे कि हमने इसके बाद वाले में किया है ना, हम आपको दिखाएंगे। इसमें तो बहुत ज़रा ज़रा सा मोड़ना था, उसमें ज़्यादा मोड़ना था, इसलिए उसको हमने ना पहले से ही मोड़ दिया था। तो चलिए इसको मोड़ के पहले इसको ये वाला पूरा सिक्योर कर लेते हैं, फिर इसके बाद में यहाँ पर हम दूसरा वाला फ्लैक्स लगाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ना, लगा दिया हम लोगों ने। और गन्नू कहाँ से आया है बच्चा, पॉटी कर रहा है? कर लो बेटा, हाँ कर लो। क्या बैठा है? हाँ अरे देखो देखो भाभी, नहीं नहीं देखो बाबू लगाया, बाबू यहाँ से निकालनी पड़ेगी ये वाली, क्यों? ये अंदर पट्टी करोगे ना तो यहाँ से लोगे ना, निकाल जी।
अच्छा लग रहा है। ये वहां से यहाँ चले आए पोती करते करते, और ये देखो ये भी यहाँ पे सब साफ करना है। एक तो समझ ही नहीं आता सामान रखे कहाँ, तो ये लो इधर से भी हो गई। और अब ये गन्नू का रूम अच्छे से तैयार हो गया। एक इंसान कमरे में पोस्टर लगा था, यहाँ पहले से लगा है। हैप्पी बर्थडे कन्नू। तो अब इस साइड की भी दीवार काफ़ी ख़राब हो गई है, तो वो दीवार कवर करने के लिए हम लोग ये घड़ी वाला जो हमारा पोस्टर था ना उसको लगा रहे हैं। तो उसको पहले से हमने ये कर दिया ना, थोड़ा फोल्ड करना था, तो पहले से पीछे की तरफ हमने ये टेप लगा दिए हैं मोड़ के चारों तरफ। आप देख रहे हो ना, ये देखिए। अब इसके बाद ये पोस्टर इस तरीके से हो गया। वहाँ मोड़ने में दिक्कत ये हो रही थी कि बार बार खुल जा रहा था, तो इसको पहले से ही मोड़ लिया। अब वो दीवार ख़राब है तो इस वजह से वो दीवार कवर करना थोड़ा सा ज़रूरी है। और इस साइड में तो पर्दे आ जाएंगे, और आप देख रहे हो ना इधर की दीवार भी काफ़ी ख़राब हो गई है, और इस साइड में पर्दे आ जाएंगे तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे अच्छा भी लगेगा, पूरा एक पोस्टर हो गया ना, क्यों? तो बस अब ये वाला जल्दी से हम लगा के अभी आते हैं। अब चलिए ये दूसरा वाला फ्लैक्स हम लोग लगाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे लगाने का मेरा कोई खास मूड नहीं था, मतलब तो आप लोग कहोगे बगल बगल में दो फ्लैक्स क्यों लगा दिए, बट यहाँ की दीवार थोड़ी सी ख़राब हो गई थी तो मैंने कहा यहाँ पे लगा देती हूँ, और कोई ऑप्शन ही नहीं है कुछ करने का, तो मेरे पास एक अभी यही ऑप्शन है करने के लिए, तो मैंने कहा यही लगा देते हैं। वैसे अगर इसको गोल काट के लगाते तो ये बहुत प्यारा लगता, मुझे पता है, बट अगर हम गोल काटते तो इसको बहुत सारे वो जो कीले होती है ना उससे सिक्योर करना पड़ता, तो बहुत ज़्यादा कीले दीवार में लगाना मुझे नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैंने बहुत कम मिनिमम कीले यहाँ पर लगाई हैं, वो भी बहुत छोटी छोटी वाली, वो जो आती हैं जो तार को जोड़ती हैं, सिंपल सी हमने वही वाली लगा दी है। और ये जो क्लॉक है ये मैंने बनवाई, ये आप नॉर्मली कहीं से भी बनवा भी सकते हैं अपने बच्चे की। ये जो मैंने क्लॉक बनवाई थी इसमें गन्नू की 1 महीने से लेके 11 महीने तक की सारी फ़ोटोज हैं, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रही हैं। और जो 12 महीने की फ़ोटो है वो आपको बगल में मिलेगी, ये जो इनके बर्थडे वाले फ्लैक्स में लगी हुई है। और ये आप सोचो ये पूरा कमरा भी इसके टॉयज़ और इसके लिए छोटा पड़ जा रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि इसके लिए कितना बड़ा हम कमरा बनवाएंगे जो थोड़ा सा पूरा इसके जो सामान होते हैं वो सारे आ जाएँ। Oh my God! गन्नू के ऊपर ही तकिया गिर गई। लग गई क्या? नहीं लगी, नहीं लगी। हिचकी आ रही है, कौन याद कर ला बाबू को मिले, कौन याद कर ला बताओ, कोई याद किया? हिची आई, हिची हिची। चलो हम करके आते हैं 5 मिनट और। हाँ तबीयत थोड़ी सी ठीक है, आप देख रहे हो ना गुड़िया के साथ खेला, यहाँ उसके हंसने की आवाज़ आ रही है, इतना अच्छा लग रहा है मुझे सुन के। यहाँ से हम देख भी रहे हैं, वो देखो वहाँ पे खेल रही है, और ये देखो यहाँ पे ये लग गया है, बस इसे थोड़ा इग्नोर करो, ये 2 दिन बाद सही हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे लगना है पर्दा, और पर्दा उसने कहा है कि वो देगा मुझे 2 दिन बाद, मतलब मंडे को देगा वो पर्दा। यहाँ के लिए मैंने 4 पर्दे ऑर्डर किए हैं, 3 इस तरफ के लिए 1 उस तरफ के लिए, तो ये पूरे 4 पर्दे हो जाएंगे। और पर्दों की बिल्कुल भी वैरायटी नहीं थी उनके पास में, इसलिए हमने जो मिला हमें वही लेना पड़ा। मैंने कहा फ़िलहाल ले लेते हैं गन्नू का, जब जब अपना होगा तब होगा, तब करेंगे बात अलग है। ये गन्नू 1 month, 2 month, 3 month, 4 month, 5, 6, 7 सात मंथ में जो था उसका मुंडन हुआ था, 8, 9, 10, 11 और 12, ओह माय गॉड, नो 12, 12। ये क्या कर रहे हो, मतलब इतने सलीके से कि बराबर बराबर देखो, इसके बराबर इसको बिठाया गया है ताकि दिखने में अच्छा लगे, सोचो बस ठीक है।
तो जनाब हमारे आ रहे हैं, आज तबीयत थोड़ी ठीक है, 3 दिन बाद बच्चा मेरा बेचारा वॉकर पे बैठ पाया है। और आप लोग कहते हो ना इसको हम चलाने की कोशिश नहीं करते, सब करते हैं सब होता है इसके साथ में, हाथ से चलता भी है, सब करता है। और ये देखो आप बताइए ना रूम कैसा लग रहा है। इधर से पर्दा लगने हैं, वो थोड़ा इग्नोर करिएगा, बाकी यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे लगा दिए क्योंकि ये दीवार यहाँ की अच्छी नहीं थी और गंदी। आजा 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 आजा, यहाँ इसको बिब इसलिए लगा दिया है क्योंकि इसका थोड़ा सा ना लार निकल रही थी। हाँ बेटू, आहा आहा, चले। और अभी टाइम हम आपको दिखा दे रहे हैं, दिख गया ना आपको, 4:15 बज चुका है। टाइम मैंने इसीलिए दिखा दिया, 4:15। बाबू देखा, यही होता है, तो ऐसे मिल बांट के काम सारे हो जाते हैं। थोड़ी देर बिरयानी खिला लिया, अब खाना खाने का टाइम है। और अब 4 बजे मैं सोचो, मैंने सुबह में मखाने और मैंने बताया था चाय पीते हैं, कोशिश करते हैं कि जितनी देर हम भूखे रह पाएँ उतनी देर, मतलब जितना हम कर पाते उतना करते हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि छोटी हाथ बड़ी हाथ वाली को ऐसे से लड़ाई हो रही है, तो अभी जा रहे हैं। अभी बनी रखी है साबुदाने की खिचड़ी और आलू की टिक्की, वो दोनों टिक्कियाँ हम लोग गर्म करेंगे, एक तरफ चाय बनाएंगे और फिर उसको खाते हैं। तो चलो ये वाला ब्लॉग मैं भी यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और ये नए वाले फ़ोन के कैमरे से मैंने शूट किया है, तो प्लीज़ बताइएगा कैसा आ रहा है, क्योंकि मुझे इसकी कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। वॉइस क्वालिटी का मैं नहीं कह सकती, बट कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये वाली जो इसकी मैट है, मुझे याद आ गया, कपड़ा कोठी में सिर्फ और सिर्फ 350 या 390 रुपये में है, 400 रुपये के अंदर। अगर आपको ये मैट लेनी है कपड़ा कोठी से ले लीजिए, मैंने बाहर से ली थी तो मुझे महंगी पड़ी थी, बट क्वालिटी में हल्का सा फ़र्क है, ये बात भी मैंने देखी है, चेक करी है। बट वहाँ पे आपको बहुत प्रिंट मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रिंट वैरायटी है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी मेरा ये वाला सारा काम बचा हुआ है, मुझे वैसे फ़ोन से वीडियो शूट करना काफ़ी अच्छा लग रहा है।